अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबको वेलकम करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को टीम व्यूवर इंस्टॉलेशन के बारे में बताने वाला हूं कि कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर हम टीम व्यूवर को किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो साथ में वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो फ्रेंड अब वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड सबसे पहले तो आपने ब्राउज़र ओपन करना है, गूगल क्रोम हो या कोई भी ब्राउज़र हो, और यहाँ पर सर्च में सर्च करना है टीम व्यूवर को मैंने सर्च किया यहाँ पर। ये एक रिमोट डेस्कटॉप कंट्रोलर है, आप यहाँ से इसको इंस्टॉल करके किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं और उस हाल में जबकि उसके पास भी ये टीम व्यूवर मौजूद हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस टीम व्यूवर के ऊपर क्लिक करें। इसका डाउनलोडिंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, उधर से आप इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड इधर पे हमारे पास फ्री कमर्शियल ट्रायल है और डाउनलोड फॉर फ्री है और सी प्राइजें है। इसमें आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें ये फ्री में दिया जाता है। तो इस पर क्लिक करें, ये दरमियान वाला जो है डाउनलोड फॉर फ्री, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। तो इधर पे थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पर टीम व्यूवर फ्री डाउनलोड वेल स्टार्ट मोमेंटरली, यहाँ पर थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी और यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। और इसकी साइज़ जो है वो 31 MB साइज़ है। तो फ्रेंड इधर पे मैं वीडियो को स्किप करता हूँ और ये डाउनलोड होने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको हम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा टीम व्यूवर डाउनलोड हो चुका है और शो फोल्डर में इसको देखते हैं। यहाँ पर हमारा टीम व्यूवर का जो आइकॉन है वो आ चुका है, डाउनलोड हो चुका है। यहाँ से ओपन करें या रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें। तो ओपन के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ से आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन जैसी है, इसको इस तरीके से छोड़ें और नीचे एक्सेप्ट और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर येस करें और इसकी इंस्टॉलेशन ये आप देख सकते हैं शुरू हो चुकी है। इसकी इंस्टॉलेशन 15-20 सेकंड के अंदर अंदर ये इंस्टॉल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा टीम व्यूवर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है और इसका आइकॉन भी इधर डेस्कटॉप पे हमारे साथ आ चुका है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये आई वांट टू यूज़ फ्री वर्जन फॉर पर्सनल यूज़, आई ऑलरेडी हैव टीम व्यूवर सब्सक्रिप्शन। तो इनमें से ये मेडल वाला जो है इसके ऊपर क्लिक करें, आई वांट टू यूज़ द फ्री वर्जन फॉर पर्सनल यूज़, हम तो कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं करते, हम पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं। और यहाँ पर फिनिश करें, फिनिश के ऊपर मैंने क्लिक किया। तो ये हमारे टीम व्यूवर की इंस्टॉलेशन हो गई कंप्लीट। तो अभी इस टीम व्यूवर को ओपन करते हैं, यहाँ से मैंने ओपन कर दिया है और यहाँ पर हमारी आईडी शो होगी और हमारा पासवर्ड शो होगा। ये हमारा आईडी है, ये पासवर्ड है और ये दूसरे बंदे का आईडी है और जिसके साथ हम लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो इसको इस तरह से लेके इस जगह पे और यहाँ पर कनेक्ट के ऊपर क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली आप दूसरे कंप्यूटर पे एक्सेस करोगे, लेकिन इंटरनेट होना लाजमी है और टीम व्यूअर आपके पास लाजमी होना चाहिए। और यहाँ पर यूअर पर्सनल आईडी, अगर आप अपने लैपटॉप का एक्सेस किसी को देना चाहते हो तो आपने ये आईडी देना है और ये नीचे जो पासवर्ड है ये देना है। पासवर्ड जो है ये रेंडमली बन जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पासवर्ड ये आप क्रिएट कर सकते हैं, ये अनलिमिटेड पासवर्ड। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।